भारत में हर साल अलग-अलग भाषाओं की लगभग 1800 फिल्मों का निर्माण होता है और उसी हिसाब से प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं। प्रोडक्शन हाउस एक तरह की फैक्ट्री है जहां से हर साल फिल्मों और टीवी सीरियल्स का निर्माण होता है और इसकी शुरुआत सिनेमा की शुरुआत के साथ ही हो गई थी, लेकिन तब में और अब में बहुत फर्क है। आजकल गीतकार, संगीतकार, कलाकार सब फ्रीलांसर्स हैं जो एक ही वक्त में अलग-अलग बैनर्स के लिए काम कर सकते हैं, मगर तब ऐसा नहीं था। तब सब स्टूडियो के एम्प्लॉयज हुआ करते थे। गीतकार हो या संगीतकार, टेक्नीशियंस हो या निर्देशक, सब महीने की तनख्वाह पर काम करते थे। आजकल सब कुछ बहुत प्रोफेशनल हो गया है, मगर तब सब एक परिवार की तरह रहते थे, मिलकर काम करते थे और सिनेमा की नई नई आई कला के लिए पूरे पैशन के साथ डिवोटेड थे। सिनेमा के उस दौर को कहा जाता था स्टूडियो एरा। साल 1913 में पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई। तब से लेकर 1931 तक जो साइलेंट फिल्में प्रोड्यूस हुई उनमें ज्यादातर पौराणिक, धार्मिक और फैंटेसी फिल्में थीं। बहुत सी फिल्में ऐसी थीं जो मराठी, पारसी, गुजराती के लोकप्रिय नाटकों को शूट करके बनाई गईं। लेकिन इस दौरान कई स्टूडियोज उभर कर आए जिनमें दादा साहब फाल्के की हिंदुस्तान फिल्म कंपनी के अलावा मदन थिएटर्स, कृष्णा फिल्म्स, ग्रेट ईस्टर्न्स, इम्पीरियल, कोहिनूर, सागर मूवी टोन, महाराष्ट्र फिल्म्स, शारदा फिल्म्स जैसे अनेक स्टूडियोज थे। इनमें से कुछ की ख्याति सिनेमा में आवाज आने पर और ज्यादा बढ़ी, वहीं कुछ नए स्टूडियोज बने जिन्होंने अपनी बहुत मजबूत जगह और पहचान बनाई। उनमें से कुछ का नाम तो फिल्म इतिहास में अमर हो गया। कोल्हापुर में प्रभात फिल्म्स, कोलकाता में न्यू थिएटर्स, लाहौर में पंचोली आर्ट्स और मुंबई में बॉम्बे टॉकीज के अलावा रंजीत मूवी टोन, वाडिया मूवी टोन, मिनर्वा मूवी टोन। इन सबके फिल्मों का एक अलग स्टाइल और एक अलग दर्शक वर्ग था। इन कुछ बड़े स्टूडियोज के अलावा भी बहुत से स्टूडियोज थे जिन्होंने फिल्म निर्माण में हाथ आजमाया। नमस्कार, मैं हूं नीतू और हर शुक्रवार आपके लिए लेकर आती हूँ फिल्मी फीस। आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें स्टूडियो सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सिनेमा का स्टूडियो सिस्टम, स्टूडियो एरा, अलग अलग स्टूडियोज जो अपने जमाने में बेहद मशहूर रहे, उन्हीं को एक एक करके इस कड़ी में आपको दिखाऊंगी, उनके बारे में बताऊंगी और उम्मीद भी करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे। तो शुरुआत करते हैं दादा साहब फाल्के की हिंदुस्तान फिल्म कंपनी से। दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र फाल्के फिल्म कंपनी के बैनर तले बनी थी। उसके बाद उन्होंने अपना सेटअप नासिक में कर लिया था। नासिक में बना दादा साहब फाल्के का स्टूडियो एक मॉडल स्टूडियो बन गया था जहां बड़ी तादाद में टेक्नीशियंस और कलाकार पे रोल पर काम करते थे और ज्यादातर वहीं रहते भी थे। वहां कलाकारों के लिए कसरत, फाइटिंग, घुड़सवारी जैसी सभी सुविधाएं मौजूद थी। लाइब्रेरी और पढ़ने के लिए कमरा भी था और एक छोटा सा चिड़ियाघर भी था। राजा हरिश्चंद्र के बाद मोहिनी भस्मासुर और सत्यवान सावित्री की अपार सफलता से दादा साहब फाल्के ने हैट्रिक बनाई। इस सफलता ने न सिर्फ उन्हें शोहरत दिलाई बल्कि कर्ज मुक्त भी किया, साथ ही उनकी फिल्मों के प्रिंट्स की डिमांड भी बढ़ने लगी और तब नई मशीनरी की जरूरत महसूस हुई, जिसके लिए वो एक बार फिर से लंदन गए जहां उनकी फिल्मों की स्क्रीनिंग भी हुई और उन्हें इतना पसंद किया गया कि वॉल्टन स्टूडियोज ने दादा साहब फाल्के को इंग्लैंड में फिल्म निर्माण की पेशकश भी की। वो प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। जब दादा साहब फाल्के वापस आए तो आर्थिक हालात काफी खराब थे। उनका स्टूडियो लगभग बंद होने के कगार पे आ गया था। उस दौरान उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई, फिल्म के जरिए ये भी बताया कि फिल्म्स कैसे बनाई जाती हैं। आखिरकार वो उस बुरे दौर से निकले और उन्होंने लंका दहन फिल्म बनाई जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इससे उनके सारे कर्जे उतर गए, मगर भविष्य में वो बुरा वक्त फिर से ना आए इसीलिए उन्होंने मुंबई के 5 बड़े टेक्सटाइल उद्योगपतियों के साथ हाथ मिलाया। वामन श्रीधर आप्टे, लक्ष्मी बलवंत फाटक, माया शंकर भट्ट, माधव जी जे सिंह और गोकुल दास दामोदर। फिर 1 जनवरी 1918 में फाल्के फिल्म कंपनी हिंदुस्तान फिल्म कंपनी में बदल गई।
जिसकी पहली फिल्म थी श्री कृष्ण जन्म और फिर कालियामर्दन। दोनों ही कमर्शियली सक्सेसफुल रही, मगर क्रिएटिव इंसान की सोच और व्यापारी दिमाग की सोच में बहुत अंतर होता है, और जब ये दोनों टकराते हैं तो मतभेद भी उभरने लगते हैं। वो मतभेद इतने बढ़ गए कि दादा साहब फाल्के ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया और बनारस चले गए। लेकिन नाटक, संगीत, साहित्य और सिनेमा से दूर नहीं हुए। वहां उन्होंने बहुत से नाटक देखे और आर्टिस्टिक लोगों का साथ भी बना रहा। इसी दौरान उन्होंने अपना प्रसिद्ध मराठी नाटक रंगभूमि लिखा। बहुत से लोगों ने कोशिश की कि दादा साहब फाल्के फिर से सिनेमा की दुनिया में वापस आ जाएं, मगर उन्होंने हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन फिर हिंदुस्तान फिल्म कंपनी में वापसी की, लेकिन अपनी शर्तों पर, और सेतु बंधन फिल्म बनाई। सेतु बंधन को बनने में करीब 2 साल लग गए। 1932 में जब ये फिल्म प्रदर्शित हुई, तब तक खामोश सिनेमा बोलने लगा था, तो सेतु बंधन को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। इसके बाद हिंदुस्तान फिल्म कंपनी बंद हो गई। दादा साहब फाल्के ने हिंदुस्तान में सिनेमा की राह खोली। उसी तरह कह सकते हैं कि स्टूडियो सिस्टम की नींव भी वहीं से पड़ी। उनके बाद न जाने कितने स्टूडियोज बने, लेकिन पहला कदम हमेशा महत्वपूर्ण होता है और यादगार भी। हालांकि दादा साहब फाल्के ने कोल्हापुर के महाराजा के जोर देने पर कोल्हापुर सिनेटोन के लिए एक साउंड मूवी गंगा अवतरण का निर्देशन भी किया, जो 2 साल में बनकर तैयार हुई और 1937 में रिलीज की गई, और ये उनकी इकलौती सवाक फिल्म रही। फिर दादा साहब फाल्के ने फिल्मों से संन्यास ले लिया और 16 फरवरी 1944 को नासिक में उनकी मौत हो गई। अगले वीडियो में साइलेंट एरा के एक और महत्वपूर्ण स्टूडियो के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कुछ नया अपलोड करूँ तो आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी के लिए नीतू की तरफ से बाय बाय।